हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। डीएसएसपी की तरफ से बिल्कुल अभी अभी 28 अगस्त 2020 को इवनिंग में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। काफी दिनों से बच्चे इसका वेट कर रहे थे, तो आइए देखते हैं क्या रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। साथ में नोटिस भी निकाला गया, तो सभी को रिजल्ट को नोटिफिकेशन को सबको देखने वाले हैं। उससे पहले वीडियो पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा इसी प्रकार के रिजल्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन आती है, अपडेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली। यहां बात कर रहे हैं 4/17 स्टैटिकल असिस्टेंट के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। 260 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी 2017 में, वैकेंसी निकाली गई थी स्टैटिकल असिस्टेंट। बाद में नोटिस निकाला गया था 7 नवंबर 2019 को, सीट को बढ़ाकर 273 कर दिया गया था। पेपर हुआ था नवंबर के महीने में, रिजल्ट आया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया था मार्च के महीने में 2020 में। अब यहां बात किया जा रहा है रिजल्ट आया है, सभी बच्चे जो पास कर गए उनको बहुत बधाइयां। और यहां देखिए यूआर में 64 बच्चे पास किए हैं, यहाँ साथ में नोटिफिकेशन निकाला गया। ओबीसी में बताया जा रहा है 50 बच्चे पास किए हैं और कुछ बच्चे को रिजेक्ट भी कर दिया गया है, उनको लिस्ट में निकाला गया है। एससी में 37 बच्चे पास कर गए हैं और यहाँ पर देख लेते हैं एसटी में 19 बच्चे पास कर गए हैं। हैंडीकैप में कुछ बच्चे पास किए हैं और इन सभी बच्चों को यहाँ पेंडिंग कर दिया गया है। इनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो सही नहीं था, कुछ प्रॉब्लम था, उनको पेंडिंग कर दिया गया। सभी बच्चे यहाँ पेंडिंग कर दिए गए हैं। जो बच्चे पेंडिंग कर दिए गए हैं उनको दोबारा से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और अपडेट किया जाएगा क्या कारण से आपको रिजेक्ट किया गया है, और दोबारा से मौका भी मिलेगा। एक बार 92.50 गया है, ओबीसी में 70 नंबर कटअप गया है, एससी में 74 नंबर कटअप गया है, एसटी में 61 नंबर कटअप गया है और हैंडीकैप का कटअप निकाला गया है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, 27/8/2021 तक वेटिंग लिस्ट वैलिड। इसका मतलब अगले साल तक रिजल्ट आते रहेगा, अगले साल तक बच्चे कम पड़ेंगे तो और बुलाते रहेंगे और बहुत ही जल्दी इसका और रिजल्ट आने वाला है। जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, कम नंबर से रह गए, वो घबराइएगा नहीं, आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है और भी कुछ पोस्ट के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं एक और नोटिफिकेशन निकाला गया है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को पेंडिंग रिजल्ट रखा गया है, उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया था उन्होंने, उनको दोबारा से मौका मिलेगा। जल्दी इन्फॉर्मेशन निकाल के बताई जा रही है यहाँ पर, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं उनको यहाँ पर कुछ यहाँ बच्चे हैं, देख लीजिए आप यहाँ टाइम उनको फिर से दोबारा से मिला। ये सब बच्चे हैं जो बच्चे अपलोड नहीं किए डॉक्यूमेंट्स, 52 बच्चे हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, इनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ बताया जा रहा डेट, यहाँ बताया जा रहा 4 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, दोबारा से यहाँ पर रिजल्ट आएगा इनका, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लीजिएगा। जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं, छूट गए, नहीं हो पाया उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, तो यहाँ पर उनको बताया जा रहा है इन सभी बच्चों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड दोबारा से करना है। अब बात करते हैं कौन नोटिस के बारे में, यहाँ पर रिजेक्शन नोटिस निकाला गया है। यहाँ पे कैंडिडेट हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बताया गया था, क्वालिफिकेशन जो था डेट ऑफ वैकेंसी का जो डेट लगाई जाती है उससे इनका आगे का था, तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। आपको पता होगा वैकेंसी निकाली है तो उसके पीछे का डेट होना चाहिए क्वालिफिकेशन में, उसका इनके आगे का था, रिजेक्ट कर दिया गया और ये इन्फॉर्मेशन निकाली गई। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, दोस्तों को शेयर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।